उत्तराखंड के ऋषिकेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रायवाला में आयोजित कार्यक्रम में एंटीबायोटिक दवाओं के सेवन के प्रति जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश के चिकित्सक आशुतोष ने लोगों को सलाह देते हुए बताया कि वह चिकित्सक की सलाह के बिना एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन ना करें। उन्होंने बताया कि लोग हल्का स्वास्थ्य बिगड़ने पर मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक दवा लेकर खा लेते हैं, जिसके सेवन से आपके शरीर में अन्य परेशानियां पैदा हो जाती है। चिकित्सक आशुतोष ने कहा कि एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग से बचने के लिए 18 से 24 नवंबर तक वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस का वीक मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मकसद एंटीबायोटिक दवाओं के सेवन से होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में लोगों को जागरूक करना है। मैं सीनियर रेजिडेंट हूँ डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन में। अभी 18 से 24 नवंबर स्पेशली एंटी माइक्रोबियल असिस्टेंस वीक हम लोग मनाते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। तो ये इसलिए मनाई जा रही है ताकि लोगों को हम अवेयर कर सकें। इसमें ये ध्यान रखना है कि कभी भी आप जब एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक नहीं खाएं। और कभी भी अगर कोई डॉक्टर अगर मेडिसिन का जो कोर्स लिखा है एंटीबायोटिक का, उसको आप कंप्लीट करें। कभी भी सिम्टम आपका ठीक हो जाए, रिलीफ हो जाए, तो ऐसा नहीं कि बीच में दो दिन तीन दिन खाए और बंद कर दिया, ऐसा कभी नहीं करना है। और ये ध्यान रखना है कि कभी भी आप मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक कभी नहीं खरीदें। लोगों की आदत होती है कि गए और एंटीबायोटिक दो गोली चार गोलियां वो मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं, खाते हैं, और बहुत बड़ा कारण है मतलब इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट और मतलब बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस के आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं, तो 100% वो रेसिस्टेंस होगा आपके फ्यूचर में। बहुत सारे पेशेंट्स हमने यहाँ पे ओपीडी में देखा है जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के आते हैं या निमोनिया के आते हैं, उनमें एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होता है। तो उसका बहुत बड़ा कारण यही है कि वो पहले मेडिकल स्टोर में या कोई अनरजिस्टर्ड जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं मेडिसिन के, उनसे वो दवाइयाँ लेते हैं और इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट लेते हैं, या मतलब जो सही दवाई है वो नहीं लेते हैं, स्पेशली एंटीबायोटिक्स, और वो रेसिस्टेंट होता है आगे जा करके और काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है पेशेंट को। तो इस चीज़ को अवॉइड करें और इस एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के खिलाफ इस जंग में सभी लोग आप लोग सम्मिलित हों।